चेहरा प्रधानमंत्री मोदी जी का दिखाया गया और देश कौन चला रहा है? अडानी अंबानी। अरे मणिपुर में जो हुआ उसको देख के कोई बहन सोई है क्या? हमें यो ऐसे लग रहा था कि वो हाथ से छू रहा था उसके योनि को, वो हमारी योनि तक पहुंच रहा था। और जिसने कारगिल में अपना खून बहाया, दुश्मन से लड़ाई लड़ी, उसकी पत्नी को भी उन्होंने नंगा करके घुमाया। लेकिन आज प्रधानमंत्री जी ने ये साबित कर दिया है कि वो सबसे कायर प्रधानमंत्री जी। हमारे बॉर्डरों में जो सेना खड़ी है वो बहुत मजबूत है, पूरी ईमानदारी के साथ खड़ी है। हमारी भारतीय सेना पूरा विश्व जानता है कि भारतीय सेना कितनी मजबूती के साथ, खाना मिले ना मिले, जूते मिले ना मिले, चाहे नंगे पैर फिटी शूज में, लेकिन उनके हौसले हमेशा बुलंद रहते। लेकिन जो सरकार दिखावा करती है, उस सैनिकों का सम्मान नहीं किया, कभी नहीं किया इस सरकार ने। हम कभी नहीं भूल सकते कि जंतर मंतर पे, चाहे 14 अगस्त 2015 की बात करें, 30 अक्टूबर 2017 की बात करें, किस तरह से हमारे देश के उन बहादुर सैनिकों को घसीटा गया, वीर नारियों को घसीटा गया, डबल वीर चक्र जिन्होंने पाकिस्तान का जहाज गिराया था 1965 में, 1971 में, उन डबल वीर चक्र विंग कमांडर नेव को घसीटा गया। वो चीज हमें जब तक जिंदा रहेंगे हमेशा याद रहेगी। और दूसरा दिखावा करते हैं, जब ये पेंशन की बात करते हैं सैनिक तो ये कहते हैं कि देश में पैसा नहीं है। प्रधानमंत्री जी अपने लिए 8,000 करोड़ का जहाज खरीद सकते हैं, लेकिन देश के सैनिक अगर उनसे जहाज को मांगते हैं कि उनको खतरा है रोड से जाने से, तो पुलवामा जैसी घटना करने पे मजबूर किया जाता है सैनिकों को। मुझे दुख इस बात का होता है कि जो हमारे नेशनल चैनल हैं वो सब के सब अपना जमीर बेच चुके हैं। मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, मोदी जी सदा कुर्सी पे नहीं रहने वाले, जिस दिन वो कुर्सी से चले जाएंगे क्या तुम्हें लगता है तुम चैनल ढंग से चला पाओगे? आज जनता भूखी मर रही है, बेरोजगारी इतनी चरम पे है, भूखमरी इतनी चरम पे है, महिलाओं को नंगा करके घुमाया जा रहा है, और हमारे चैनल में बैठे लोग अपना जमीर बेच के मुंह बंद करके बैठे हुए हैं। जब इस देश का इलेक्शन हुआ था 2014 में, हम बहुत खुश हुए थे कि हमारे देश को एक बहुत अच्छा प्रधानमंत्री मिलने जा रहा है। हमारे साथ उस टाइम भी बहुत बड़ा धोखा किया। हम चेहरा देख रहे थे मोदी जी का कि देश को ये चलाएंगे, कि अच्छी अच्छी बातें सुन के हम बहुत खुश हुए थे कि हमारे देश का बहुत भला होने वाला, लेकिन पूरे देश के साथ इतना बड़ा धोखा होगा ये हमने नहीं सोचा था। चेहरा प्रधानमंत्री मोदी जी का दिखाया गया और देश कौन चला रहा है? अडानी अंबानी, जिनको हम जानते भी नहीं थे चेहरे से, जो गांव की औरतें हैं वो तो जानती भी नहीं थी। लेकिन आज प्रधानमंत्री जी ने ये साबित कर दिया कि वो सबसे कायर प्रधानमंत्री जी। दुख होता है जब सैनिकों के नाम पे वोट मांगने जाते हैं। पुलवामा इनकी कमजोरी के कारण हुआ, इंटेलिजेंस क्या कान और आंखें बंद करके सोया हुआ था? अगर वो ईमानदारी से अपना काम नहीं कर रहा था तो सरकार क्या कर रही थी? और अगर इंटेलिजेंस ने अपनी रिपोर्ट दी थी तो वो किसको दी थी? और उसके बाद सरकार में बैठे लोगों ने संज्ञान क्यों नहीं लिया उस पे? क्यों नहीं, जब उनको पता चल गया था कि इस रास्ते से जाने से विस्फोट हो सकता है, तो जिसने भी एयरलिफ्ट से जाने से मना किया, परमिशन देने से मना किया, उसका नाम देश के सामने आना चाहिए। देश की जनता जाग चुकी है, बहुत देर तक इन्होंने धर्म के नाम पे लड़ा लिया, जाति के नाम पे लड़ा लिया, बट अब देश जाग चुका है, देश के समझ में आ गया है, अगर आप भी नहीं बोले तो हम बोलने लायक ही नहीं रहेंगे। ऐसी हालत करने की तैयारी कर रखी है देश की सरकार ने कि हम सिर्फ दो टाइम की रोटी मांगने के लिए हाथ फैलाएं ताकि हम अपने हकों की आवाज ना उठा सके। जवान शहीद होते हैं उस दिन, उसके घर में खूब सारे लोगों का आना जाना, सुबह से शाम तक लाइन लगी रहती है, लेकिन उसके बाद उस विधवा को अपना जिंदगी कैसे बसर करती है, किस तरह अपने बच्चों को पढ़ाती है, ये देखने वाला कोई नहीं होता। उस बहन को, विधवा को अपनी पेंशन लागू करवाने के लिए सरकारी दफ्तरों के एक एक साल तक
करने पड़ते हैं। हम बहुत बार रक्षा मंत्रियों से मिले हैं, मनोहर पारिकर जी थे तब भी मीटिंग होती थी, सीतारमन जी थे उनसे भी मीटिंग हुई, हमारे ये राजनाथ जी हैं इनसे भी मीटिंग हुई, लेकिन हमेशा वादा किया जाता है कि हाँ हम सब ये किया जाएगा, लेकिन ना कोई विधवाओं की सुनने वाला है ना कोई जवानों की सुनने वाला है। और जवान विधवा की बात मैं इसलिए कर रही हूं, मैंने उन वीर नारियों को बहुत नजदीक से देखा है, मैंने उन वीर नारियों की बहुत तकलीफ देखी थी, तभी मैं जंतर मंतर पे मां बाप की कसम खा के धरने पे बैठी थी जन सतवीर के साथ। आप में से शायद कुछ लोग जानते भी होंगे, मैं एक मिनट लेके अपना बताना चाहूंगी, मैंने 810 दिन रिले हैंगर स्ट्राइक किया था, एक टाइम खाना खाती थी 24 घंटे में, सुबह से शाम तक सिर्फ प्लेन पानी पीती थी, और उसके बाद 11 दिन तक मैंने आमरण अनशन किया था, और वहां पे बैठी थी तो माँ बाप की कसम खा के बैठी थी, किसान की बेटी हूँ और एक सैनिक की पत्नी हूँ तो पीछे हटने वाली नहीं थी। आईसीयू में पहुंच गई थी, 4 दिन तक मैं RR हॉस्पिटल में रही और मुझे बलात्कार की धमकी दी गई, और जब मैं FIR दर्ज कराने जाती हूँ उस थाने की महिला SHO कहती है कितने चक्कर काटो भी छोड़ दो, ऐसे तो धमकियां मिलती रहती है। मैंने कहा जितने भी चक्कर काटने पड़े, जिसने मुझे बलात्कार की धमकी दी मैं उसको जेल भेज के रहूंगी। आप यकीन मानेंगे 14 महीने बाद मेरी FIR दर्ज की, मैं दिल्ली की बात कर रही हूं, और वो भी तब में महिला आयोग गई, साइबर क्राइम गई, दोनों तरफ से दबाव पड़ा, उसके बाद 14 महीने बाद वो FIR दर्ज की, और उसके बाद आज 30,000 रिपोर्ट में केस चल रहा है, आज तक नहीं ढूंढ पाए कि वो इंसान कौन था जो एक आर्मी ऑफिसर की पत्नी को बलात्कार की धमकी दे रहा था। देश सुरक्षित हाथों में है, सो जाइए आंख बंद करके। अरे मणिपुर में जो हुआ उसको देख के कोई बहन सोई है क्या? हमें वो ऐसे लग रहा था कि वो हाथ जो छू रहा था उसके योनि को, वो हमारी योनि तक पहुंच रहा था, दिल रो रहा था कि उस हाथ को काट के फेंक दे। और जिसने कारगिल में अपना खून बहाया, दुश्मन से लड़ाई लड़ी, उसकी पत्नी को भी उन्होंने नंगा करके घुमाया, फिर कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, शर्म आनी चाहिए सत्ता में बैठे लोगों को, शर्म आनी चाहिए, खासकर जिस पार्टी की महिलाओं को शर्म आनी चाहिए। अरे वो इतनी गुलाम है कि इस पार्टी की एक महिला होने के नाते उन्होंने एक शब्द नहीं बोला, चाहे वो पहलवानों को घसीटा गया हो, चाहे किसानों के ऊपर, जिंदा किसानों के ऊपर गड़ियां चढ़ा दी गई हो। तकलीफ होती है, बहुत तकलीफ होती है, लेकिन ये ज्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है, पार का घड़ा इनका भरने वाला है। आप सबसे एक अपील करती हूँ, जाति में ना बटे, धर्म में ना बटे, सबसे बड़ा धर्म है इंसानियत, इंसान बन के जियो, इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। देश के सैनिकों के लिए एक ही बात कहूंगी, मुझे भारतीय सैनिकों के ऊपर गर्व है, और मैं गर्व करती हूँ कि मैं एक भारतीय सैनिक की पत्नी हूँ और एक किसान की बेटी हूँ। अत्याचार ना सहो, जितना अत्याचार सहोगे उतना ज्यादा दबाया जाएगा। पुलवामा में जो भाई शहीद हुए उनकी पत्नियों के, मैं तकलीफें बताऊं आप लोगों को, वो शहीद हो जाता है, विधवा हो जाती है, वो एक ठीक अलग बात है, वो देश के लिए बड़ी गर्व करती है, मेरे आदमी ने शहीदी दी, गर्व महसूस करती है, लेकिन उस विधवा को कितनी तकलीफों से गुजरना पड़ता है। हमारा समाज उस विधवा को अशुभ मानता है, जब ब्याह शादी होती है तो उस विधवा को सभी प्रोग्रामों से दूर रखा जाता है, कहा जाता है ये तेल नहीं चढ़ाएगी, ये हल्दी नहीं चढ़ाएगी, ये तो विधवा है। मैं देश की मातृ शक्ति से अपील करती हूँ, विधवाओं का ऐसे तिरस्कार ना करो, उन्होंने अपने सुहाग को देश के लिए दिया है, अरे वो अशुभ कैसे हो सकती है, उसने अपना सिंदूर कुर्बान कर दिया देश के लिए, और उसको कहा जाता है कि तू तेल नहीं चढ़ाएगी, तू किसी को टीका नहीं कर सकती, तू पूजा में नहीं बैठ सकती, कि तू अशुभ है। अशुभ तो ये लोग हैं जो दिखावा करते हैं, मुंह में लड्डू खिलाते हैं सैनिकों के और पीठ में छुरा घूंपते हैं। अगर ये सच्चे होते तो आज तक पुलवामा के ऊपर कमेटी क्यों नहीं बनाई,
अगर बनाई है तो उसमें कौन कौन सदस्य हैं और वो जांच कहां तक पहुंची पूछता है भारत प्रधानमंत्री जी से। अब प्रधानमंत्री जी कब तक भागोगे देश के सवालों से? इनके सांसद जब भी कोई सवाल करता है, चाहे पीटी उषा मैम से मैंने सवाल किया था जंतर मंतर पे तो वो भाग गई थी, मीनाक्षी लेखी से बात की तो वो भाग गई थी, जिससे भी सवाल करते हैं वो भाग रहे हैं। आज देश का बच्चा बच्चा जाग चुका है, प्रधानमंत्री जी से सवाल पूछेगा और आज नहीं तो कल प्रधानमंत्री जी को देना होगा, जवाब देना होगा। जय जवान जय किसान।